अब बच्चे नेक्स्ट वीडियो में देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरे के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एरे। भी आपने एरे की डेफिनेशन कर ली, इनिशियलाइज कर लिया, उसका प्रोग्राम बना के देख लिया, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अब टाइप्स ऑफ एरे। तो एरे के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फर्स्ट मैं लिख देती हूँ आपको। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, वन डायमेंशनल एरे। वन स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। फर्स्ट टाइप है जो एरे का, वन डायमेंशनल एरे। सेकंड होता है टू डायमेंशनल एरे। एंड थर्ड टाइप होता है थ्री बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री, या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। अब सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे हम वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम करेंगे। जो वन डायमेंशनल एरे है उसमें सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट यूज होता है। सबस्क्रिप्ट बताया ना आपको, ये वाले सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे जो एरे के अंदर यूज करता है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। एरे के अंदर यूज होता है ना ये वाला सिंबल, सबस्क्रिप्ट होता है। वन डायमेंशनल एरे में हम लोग एक ही वन डायमेंशनल यूज करेंगे, एक ही सॉरी सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। जैसे कि जैसे मैं यहां पे लिख देती हूँ एरे, आगे मैं एक ही सबस्क्रिप्ट बना देती हूँ, ये क्या हो गया हमारा वन सबस्क्रिप्ट, वन डायमेंशनल। इसमें क्या करते हैं, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एरे इज यूज टू ओनली वन सबस्क्रिप्ट, ठीक है, एक ही सबस्क्रिप्ट जिसमें यूज होता है। बाकी इसका प्रोग्राम, अगर वन सबस्क्रिप्ट का आपने वन डायमेंशनल का प्रोग्राम बनाना है, तो आप जो पीछे मैंने आपको बना के दिखाया था ना ये वाला, एक ही सबस्क्रिप्ट यूज होता है, यही प्रोग्राम आप इसमें वन सबस्क्रिप्ट में बना सकते हो, ठीक है। अब सेकंड है आपका टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे में क्या करोगे, आप दो तरह के सबस्क्रिप्ट यूज करोगे। अभी आप यहाँ पे दो तरह के साइज पुट कर सकते हो, है ना। तो ये क्या होता है, जिसमें दो सबस्क्रिप्ट यूज हो। यहाँ पे डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, एरे इज यूज टू टू सबस्क्रिप्ट, ठीक है, इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे, ठीक है, जिसमें दो तरह के सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे टू डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट। अब जैसे टू डायमेंशनल एरे को हमने बेटा यहाँ पे इनिशियलाइज करके मैंने बताया आपको, ये देखो यहाँ पे टू सबस्क्रिप्ट यूज हो गए। तो जीरो से शुरू हो गया हमारा, जीरो वन टू थ्री, है ना। तो जीरो में क्या आ गया, जीरो वन टू थ्री, तो वैल्यू हमने जीरो पुट की है, यहाँ पे वन पुट की है। कॉलम जीरो में क्या आ गया हमारा, जीरो जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो। कॉलम वन में क्या आ गया, जीरो वन टू थ्री से वन 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 की वैल्यू, यहाँ पे कॉलम जीरो में ये आ जाएगी और कॉलम वन में ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, जीरो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इंडेक्स नंबर जीरो। अब आपका तीसरा टाइप क्या था, थ्री डायमेंशनल एरे। थ्री ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, थ्री डायमेंशनल एरे, ठीक है। थ्री में क्या होता है, एक तो यहाँ पे आप डेफिनेशन में लिख सकते हो एरे, या फिर आप लिख सकते हो थ्री डायमेंशनल एरे इज यूज टू थ्री और मल्टी, तीन दो या दो से ज्यादा हम लोग सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, उसको बोल देते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल एरे। सेम जैसे टू सबस्क्रिप्ट है, ऐसे ही यहाँ पे आप लोग थ्री सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, है ना, दो या दो से ज्यादा यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ऐसे करके तीन या तीन से ज्यादा सबस्क्रिप्ट आप लोग यूज कर दोगे तो वो क्या हो गया हमारा, थ्री डायमेंशनल या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये थे आपके एरे के साइज, उसके सॉरी टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में उसका साइज पुट करना होता है, फिर आपको ये पीछे बताया हुआ है उसकी सारा इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारा बेटा आपको
एरे का अपनी कॉपी में भी आप नोट कर लो और इसको एक बार रीड करके सारा याद भी कर लो आप लोग, और बाद में मुझे अपनी कॉपी चेक भी करवा देना, ठीक है।